स्पा सेंटरों पर हो रही थी जिस्म फरोशी। छापा पड़ते ही मच गया हड़कंप। 61 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। रिनिश स्पा के जितेंद्र कुमार विष्णु, सत्वा स्पा के दीपक गौड पवन शर्मा, पल्स एंड पेटल्स के दीपा शर्मा पूजा, पल्स एंड पेटलिया 2 के ललित भाटी हसीब, रिलीफ थेरेपी की निशा और कोकून स्पा के ओम प्रकाश अनुज अग्रवाल, इन सभी स्पा के मालिकों और प्रबंधकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक दौर था जब नाचने वालियों को तवायफ कहा जाता था, नाचने की जगह को कोठा कहा जाता था। नाच देखने वाले, तवायफों के पास जाने वाले मर्दों के साथ इज्जतदार लोग बैठने, बात करने, हाथ मिलाने से भी परहेज करते थे। समाज में तवायफों और रंडीबाजों की कोई इज्जत आबरू नहीं होती थी। तवायफों का नाच देखने, कोठे पर जाने वालों से कोई अपनी बेटी भी नहीं ब्याहता था। इज्जतदार लोग ऐसे लोगों को आता हुआ देख चार कदम दूर से चलते थे। एक दौर आज का है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क, पार्क, रेलवे बोगी, सार्वजनिक जगहों पर नाच किया जाता है और हर एक मोबाइल पर देखा जाता है। बेइज्जती का नाम बदलकर आधुनिकता रखा गया है। एक दौर था जब भारत की औरतें अपने स्तन ढकने के लिए टैक्स दिया करती थीं। आज अक्सर लड़कियां स्तन दिखाकर पैसा कमा रही हैं। आपको हजारों नहीं लाखों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। यही वजह है कि आज रखेल सिस्टम को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाने लगा। हर जगह नंगेपन की सराहना की जा रही है। तो बताओ, ऐसे गैर कानूनी वारदातें क्यों नहीं होंगी? खबर है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के इंदिरापुरम से। इंदिरापुरम में आदित्य मॉल और राजहंस प्लाजा में चल रहे 6 स्पा सेंटरों पर दबिश में बड़े लेवल पर जिस्मोफरोशी का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने 6 स्पा सेंटरों से 61 लड़के लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। इनमें 44 लड़कियां और 21 लड़के शामिल हैं। इनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से थाने भेजने के लिए पुलिस को बस बुलानी पड़ी। स्पा सेंटर सील कर दिए गए हैं। सभी का चालान किया गया है। पकड़ी गई लड़कियां सरकारी गवाह बनी हैं। सेक्स रैकेट से आजाद कराकर लड़कियों को उनके परिजनों के हवाले किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ में मौके से पकड़ी गई लड़कियों और महिलाओं ने बताया कि उन्हें स्पा के मालिक और प्रबंधकों ने कई तरह से ब्लैकमेल कर इस गलत काम को करने के लिए मजबूर किया था। विरोध करने पर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश करने की धमकी देते थे। पुलिस ने सभी महिलाओं और लड़कियों को आजाद कराया। इस मामले में उन्हें स्पा मालिकों के खिलाफ सरकारी गवाह भी बनाया गया है। आप देख रहे हैं SD24।